स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। आपको पता है कि हम लोग सीरीज वाइज पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। आगे हम लोग का जो डिस्कशन था उसमें कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट आई कि सर प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं छूट गया है, सर उसको करा दीजिए। चलिए आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक बात पर कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। बच्चों सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी हमको कि प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करने के लिए कुछ हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट का मतलब जो लाभ है वो किस तरह से लाभ होगा और लॉस का मतलब हानि किस तरह से होगी। चैप्टर में केवल लाभ और हानि दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कतई नहीं है कि और शब्द नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं जिन पर आपको गौर करना है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि लाभ होता क्या है, लाभ कब होता है। व्यक्ति लाभ शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने तब किया कि जब हमने कुछ इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद उसको हमने सेल किया, मतलब जब हमने वस्तु पर लागत लगाई, वस्तु पर खर्चा किया, वस्तु को क्रय किया, वस्तु को खरीदा और खरीदने के बाद उसको एक मूल्य पर बेचा। अब वो मूल्य जो बेचने वाला था सर, वो मूल्य या तो उस मूल्य से ज़्यादा होगा या तो उस मूल्य से कम होगा। भैया इस बात को आपको समझना है कि जब वस्तु को खरीदा जाता है, क्रय मूल्य जिसको आप कहते हो, या आप ये कह सकते हो कि सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हिंदी में लागत मूल्य, मतलब आपकी उस वस्तु पर क्या लागत आई। लागत मूल्य या तो क्रय मूल्य जो है वो या तो विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब समझेंगे आप बहुत आराम से। क्रय मूल्य दो कंडीशन, या तो ये बड़ा होगा या तो ये। जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तो हमको घाटा होता है, हानि हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा में खरीद लाए कम में ही बेच पाए तो आपको घाटा होगा। परंतु यदि यही चीज़ बढ़ गई, सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हो गया तो पक्के तौर पर आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ और हानि दो शब्दों का उद्भव होता है जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में तुलना कराते हैं। यहाँ पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि क्या सर क्रय मूल्य को कैसे, लाभ और हानि प्रतिशत को कैसे करते हैं। सर कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कुछ लिख लेंगे। प्लीज़ अपनी कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, बैठे हमारे साथ, पॉज करके कॉपी पेन ढूंढ लीजिए, क्योंकि आदत आपको अच्छी नहीं है। आप पेन के साथ नहीं बैठते, नॉर्मल मोबाइल के साथ बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लाभ क्या है सर, लाभ को क्या लिखेंगे? व्हाट इज प्रॉफिट? पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या है आप प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य। जब बेचने वाला मूल्य लागत मूल्य से जितना ज़्यादा होता है उसको हम लाभ कहते हैं। बहुत मोहब्बत से पढ़िएगा और बहुत ही आराम से आएगा भी आपको। व्हाट इज हानि? लॉस क्या होता है? लॉस जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो। समझ में आ गई बात? मतलब जब क्रय मूल्य, मैं बिल्कुल बेसिक, अभी बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपीपी आ गया, यूपीएसआई भी आ गया बेटा, उनके लिए बहुत नॉर्मल आता है और आर्मी के लिए भी एग्ज़ाम्स लगा हुआ अक्टूबर नवंबर में, तो बेहद आसान क्वेश्चन है और बेहद आसानी से आता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका मॉडरेट लेवल दूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल है, आसान है, बिल्कुल बेसिक समझना है, एक समझ जनरेट करना, इसलिए ये वीडियो आया है। बिल्कुल परेशान नहीं हुई, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें कि है क्या, पूरा समझने का प्रयास करें। क्रय मूल्य जब बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तब हमारा क्या होता है? हानि। इसका मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा बातें हैं इस चीज़ को करने के लिए कि यदि कोई पूछे व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये बात ज़रूर सुन लीजिएगा या समझ लीजिएगा कि प्रॉफिट हो या लॉस परसेंटेज हो, दोनों को क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इनको वास्तविक लाभ प्रतिशत और वास्तविक हानि प्रतिशत कहते हैं। मतलब यदि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही वास्तविक होंगे, अधिकल्पित नहीं होंगे। दो प्रकार के लाभ और हानि होते हैं। जब लाभ और हानि की गणना
क्रय मूल्य पर की जाती है तो उसे बोलते हैं वास्तविक लाभ हानि। मैं 100% ये बात समझता हूँ कि आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हानि और लाभ की गणना यदि क्रय मूल्य पर ही की जाए तो हम उसे बोलते हैं वास्तविक लाभ प्रतिशत या वास्तविक हानि प्रतिशत। बच्चों बहुत ध्यान से देखने की बात है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखने की बात है, बहुत उम्दा तरीके से देखने की बात है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना यदि हमने क्रय मूल्य पर करा, मतलब प्रॉफिट का यदि हमने सीपी पर या लॉस की गणना भी हमने सीपी पर करी है तो हम इसको बोलते हैं, आपको पता है पी क्या है आपका लाभ है और सीपी क्या है हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जिस पर हमने वस्तु को खरीदा है या वस्तु पर जो लागत लगी है। बहुत आराम से बात समझ लेंगे कि हमारा सीपी है क्या, और यदि सीपी हमको समझ में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि सीपी पर गणना की जाएगी तो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा। पर यदि यहीं पर इस बात को हम और गौर से देखें कि इस बात को हम क्या और कह सकते हैं, तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। वास्तविक के बाद अधिकल्पित लाभ प्रतिशत, अधिकल्पित ये एज्यूम्ड होता है, प्रिज्यूम्ड होता है कि भाई आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है या प्रॉफिट लॉस है, यदि ये आपका एसपी पे कैलकुलेट हो जाए तो हम इसको अधिकल्पित बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अधिकल्पित। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो मुझे ये लगता है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको बहुत छोटी छोटी बातें समझनी है कि लाभ क्या है, हानि क्या है। लाभ आपको कब होता है, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। और आपको घाटा कब होता है, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तब आपको घाटा। और कितना घाटा होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और आप आराम से इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा कब हानि होता है, कब लाभ होता है, कितने अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बुलंद हो, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। और कोई ना कोई साधन ज़रूर होना चाहिए, साधना साध्य का एक माध्यम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें भी समझ में आती होंगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम हमेशा कहते हैं, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए इसकी बात करें या उसकी बात करें एक ही बात है हमारे लिए, आपको भी थोड़ा सा समझ के चलना है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 8/5 times ऑफ इट्स कॉस्ट। सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब सर समझ लीजिए, सेल माने होता है बेचना और विक्रय मूल्य, और किसका बेटे लागत मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य है और ये लागत मूल्य है। कितना है रेशियो, 8/5। यदि बड़ी ईमानदारी से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर 5 का माल कितने का बेच रहे हैं, 8 का। सर कितना लाभ हुआ, 3 का। कितने पे, 5 पे। और सब लोग को बड़ी अच्छे से याद है कि 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है, तो 3/5 कितना होगा, 60%। 5 पे 3 का लाभ, मतलब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 60% आ जाएगा। हमारी बात आप तक पहुंच रही होगी। यदि एसपी और सीपी का रेशियो दिया गया है तो ये बात आपको समझ लेनी है कि 5 का माल 8 का बेचा जा रहा है, इसका मतलब 3 का लाभ हो रहा है 5 पर। तो 3/5 × 100 कर लेंगे और वहाँ से 60 आ जाएगा, और आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर वही बात सर, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सर ये बात ध्यान से समझनी है कि हम चीज़ें खरीदते हैं, कभी कभी रेशियो उल्टा देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर माल अभी कहाँ है, 4 का या 5 का है? लोग सोचते हैं सर 4 का माल 5 में बेच रहे, कैसे बेच रहे, कॉस्ट प्राइस 5 है और कितने का बेच रहे हैं सर, 4 का। आपको घाटा कितने का हुआ, 1 का। कितने से, 5 से, इंटू कितना, 100। फिर 1/5 आ गया,
कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की, और आप खुशी से लगाते हैं 20%। सर ये बात आपको रटनी नहीं है कि किससे किसको घटाते हैं, आपको ये बात समझनी है कि आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि 5 की चीज़ आप 4 का बेचते हो तो 1 का लॉस होता है 5 पे, और 1/5 मैं आपको बता चुका हूँ, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, बिल्कुल मत भूलिएगा, 1/6 16.2%, 1/7 14.2%, 1/8 12.5%। परसेंटेज का वीडियो देखिए, बेसिक वाला पहला वीडियो, उसमें सब दिया हुआ है, आराम से पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए, बिल्कुल जमाजी के साथ, थोड़ा सा एनर्जी लगाइए। देखिए विदाउट एनर्जी तो कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कुछ करना भी ना पड़े और चीज़ें आ जाए, सर नहीं पॉसिबल है ना। अब जैसे सर यही है, 5 की चीज़ आपकी 6 की बेच दी, पिछली वाली 5 की चीज़ आपने 4 में बेची थी, 6 में बेची थी, 1 का लाभ 5 पे, सर 20% का लाभ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आ गया कि सर ए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब क्रय मूल्य कितना है ए, विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है बी। कह रहा है यदि बी ए का 200% है, मतलब यहाँ से सिंपल सा आप कह रहे हो कि बी जो है वो ए का दुगना है, या ये कह सकते हो कि यदि ए एक होगा 200% का मतलब दुगना होता है, यदि बी ए का दुगना है इसका मतलब ए एक होगा तो बी दो होगा, यही तो मतलब हुआ, ए एक होगा तो बी दो होगा, मतलब एक का खरीदेंगे 2 का बेचेंगे, तो यार डबल बेच रहे हो तो परसेंट कितना फ़ायदा होगा, 100%। ये लोगों को, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये क्वेश्चन लोगों ने गलत कर दिया। यार आप खुद सोचो ना यार, 200% का मतलब क्या है, बी ए का 200% है, बी 200% दुगना, एक का माल कितने का बेच रहे हैं आप, 2 का, एक का फायदा हुआ 1 पे इंटू 100 कितने परसेंट प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। सर कभी गलत नहीं हो सकता, और ये बात ध्यान रखिए, शायद छोटा लिख रहा हूँ मैं, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं रही होगी, ठीक है ना। तो बहुत आराम से, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आर्मी वाले, बिल्कुल पुलिस वाले, कोई इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं, आप दिल से समझ लीजिए। क्या लिखा, एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5 और 3 है। सर अब इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं था ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, आप खुद सोचो ना 5 और 3 अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से कितनी अधिक है, 5500, तो 2 बराबर क्या कर देंगे आप 5500, तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा 2750, 1 बराबर कह रहा रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर 5 गुना होगा तो 2705 का 2750 का 5 गुना, आराम से आप देख रहे हो 13750 शायद आंसर होगा, कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको ये सब बातें थोड़ी सी समझ के चलनी है, कुछ है नहीं सर इनमें। अब सर ये जैसे क्वेश्चन है, बड़ा मतलब लोग परेशान होते हैं, मुझे कभी नहीं समझ में आया लोग किस बात को लेकर परेशान हुए। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, सर लिखते हैं 10 का मतलब गुणा लागत मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, सर इसके बराबर होता है लाभ प्रतिशत या हानि। सर आप फिर से देख लिए ना, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आया सर, 9/10, 9 की चीज़ कितने की बेची, 10 की, सर कितने का घाटा हुआ, सर प्रॉफिट हो रहा है 1/9 का इंटू कितना 100, 11 सही 1/9, और सर इतना तेज लिखना आना चाहिए 1/9 को, तो सर ये नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज की दिक्कत हो रही है, परसेंटेज वापस जाके पढ़िए, गुजारिश है आपसे, और आपको याद होगा 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9, बहुत मस्त होकर के पढ़िए। और बिल्कुल बेसिक सी बात हमने बताई, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी, 10 संतरों का विक्रय मूल्य तो सेलिंग प्राइस, 13 संतरों का मतलब गुणा क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे सीपी लिख देंगे, भाई कुछ नहीं है, बस हिम्मत बुलंद रखो, मत डरना बिल्कुल भी, बहुत आसान है मेरे भाई। 13/10 क्या है, 10 का माल कितने का बेचा, 13 का, कितना लाभ हुआ 3 का, कितने से 10 से इंटू 100 कितना आ जाएगा 30%, तो कितना लाभ हुआ, सर बहुत आसान है, बहुत मतलब दिल से करिए, मस्त होके पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त झकास, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या लिखा है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सर क्या नौटंकी है, बहुत आसान है सर, 400 का क्रय मूल्य बोला तो सीपी लिखो या एसपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 320 विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा सेलिंग प्राइस, बिल्कुल झकास होकर करिए, 8
45, 8 चौको 32, सर रेशियो क्या होगा सीपी और एसपी का? सीपी और एसपी का रेशियो होगा 4/5, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, कितने से? 4 से, इंटू कितना? 100, व्हाट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज 25। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और दनादन इसको करने की कोशिश भी करेंगे, और पूरी उम्मीद के साथ हम यही चलते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को, और मैं कोशिश करूंगा कि इनका मैं पीडीएफ डाल दूं और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर पाएं। देखिए है क्या, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन और है, बस यही लास्ट टाइप है जो आज पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, शायद मुझे लगता है 20 मिनट का वीडियो हो भी गया होगा। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हमने ये मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा 1 रुपये है, तो 72 वस्तु बेचने का मतलब क्या होगा? 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होगा वो 72 रुपये होगा। इतनी बात हमको समझ में आ गई। कह रहा 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सर इसमें क्या करना चाहिए? जिस पे बेच रहे हैं उसी का वो मानना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपये, तो 72 वस्तु को कितने रुपये में खरीदा होगा? 72, और प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है? 9 रुपये का, क्योंकि एक वस्तु की कीमत 1 रुपये और 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 9 रुपये का लाभ हो रहा है। कह रहा लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो सर यही होता है, 9 का लाभ हुआ कितने रुपये लगा के? 72। तो इसमें सर कोई इश्यू नहीं है। जब भी क्रय मूल्य बेचता है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो इसमें सीधा जितनी वस्तुएं बेच रहा है तो वही लिखते हैं। तो 9 और 72 यहाँ से कितना आ जाएगा? 12.5, तो 12.5%, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं बच्चों को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर सीधा 9 लिखना है, 72 लिख देना है, आंसर आ जाएगा। पर यदि यहीं पर क्वेश्चन में कुछ और बोला जाता है, और क्वेश्चन में कभी कभी होता भी है ऐसा कि हाँ चला गया क्वेश्चन भाई, अभी देखता हूँ एक मिनट। चलिए हो सकता है इसमें पीछे कहीं रह गया हो, चलिए पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी पे समझा देते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, पर यदि यहीं पर क्वेश्चन को मैं बदलता हुआ रूप देख लूँ और बदल दूँ, मैं कैसे बदलूँ? यदि 9 वस्तुओं के क्रयमूल की जगह पर मैंने लिख दिया विक्रयमूल, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदला, क्रयमूल की जगह पर क्या लिख दिया? विक्रयमूल। अब क्या होगा? अब हमें मानना पड़ेगा कि एक वस्तु का विक्रयमूल 1 है, तो 72 वस्तुओं का विक्रयमूल किसके बराबर होगा? 72 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 72 रुपये क्या आ जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस। और एक वस्तु के बराबर लाभ होता तो लाभ हो जाएगा 9 रुपये, तो इसका सीपी क्या आएगा? क्रयमूल। तो सीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें घटाना पड़ेगा, 72 में 9 घटाएंगे तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 63 रुपये। बोलिए ना सर, सीपी हमारा क्या आ जाएगा? यदि यहाँ पर क्रयमूल के बजाय विक्रयमूल हो जाए तो ये बात थोड़ा सा लोगों को कम हजम होती है। हमने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रयमूल 1 है, तो 9 वस्तुओं का विक्रयमूल क्या होगा? 9 रुपये होगा, बात समझ लीजिए। और यदि 72 रुपये का हमने माल यहाँ पर बेचा है जिसमें 9 रुपये हमने लाभ लिए हैं, इसका मतलब हमारी चीज़ 63 रुपये की रही होगी। अब 9 का लाभ है, 63 की चीज़ बेच दी है, क्रय किया है, इनटू लागत है उस पर, तो यहाँ से 14 से ही 2/7% आ जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में और मैं एक चेंजमेंट कर दूँ, 3 चेंज बता रहा हूँ, एक 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, अब लाभ की जगह सर आप फिर से वापस लिखिए क्वेश्चन, और यहाँ पर साथ में क्या लिख दीजिए? हानि। अब हानि होगी, तो जो ये क्वेश्चन था जो आसानी से आप देख रहे थे कि ये जो क्वेश्चन था ये बदल जाएगा थोड़े से अलग प्रारूप में, क्या बन जाएगा भाई? आप सोचिए ना, आपका सेलिंग प्राइस तो अभी भी कितना होगा? 72 वस्तु बेचिए तो 72 रुपये होगा। आपका लॉस जो हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 9 रुपये का। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना रुपये? 81 रुपये, क्योंकि लॉस हमारे सेलिंग प्राइस में जुड़ जाएगी। जब हमारा सीपी जब लॉस हो रहा है तो हमारा सेलिंग, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? 81 भाई, 72 रुपये में बेच दिया, 9 रुपये का घाटा हुआ, इसका मतलब चीज़ हमारी जो है वो एक्स्ट्रा रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं 9/81 × 100, इसका मतलब यहाँ पर 100/9, 11 से ही 1/9%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं
और लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि गड़बड़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझ में आसानी से आ गई है। देखिए, यदि इसी में क्वेश्चन होता, यदि मैं बोलता हूँ आप लिखिए कि 80 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप आराम से लिखेंगे, चूँकि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो 8/80 × 100, आप आराम से कह देंगे 1/10 और 10%। यदि यहीं पर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लगा देगा और लाभ हो रहा होगा, तो आप ये बोलेंगे कि चीज़ रही होगी 72 की, तभी तो 80 का बेचा है। तो 8/72 1/9, और वहाँ से आप कह देंगे क्या सर कि 11 से ही 8 × 72, 11 से 1/9 प्रतिशत का लाभ हुआ। यदि हम ये कहें कि 80 वस्तु बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो चीज़ कितने की होगी, तब 88 रुपये की हो जाएगी, और 8 पे होगा 8/88 1/11, और 1/11 से आ जाएगा 9 से ही 1/11%। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और बताइएगा हमको वीडियो आपको कैसा लगा। और बहुत अच्छे से बेसिक तैयार करिए, बेसिक लगाइए, नहीं समझ आता बिल्कुल पूछिए, मैं दूसरा वीडियो फिर बनाऊँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।